कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। मनपा कार्रवाई के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा। कार्रवाई के दौरान महिला और मनपा कर्मियों में झड़प। महिला ने कहा 7 बजे के पहले कोरोना कहाँ रहता है। मनपा कर्मी महिला को नहीं दे पाए जवाब। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक बार फिर मनपा कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। दरअसल मनपा द्वारा हॉकर्स पर कार्रवाई जो की जा रही है उसके खिलाफ हॉकर्स ही नहीं अब वो महिलाएं भी विरोध कर रही हैं जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए आ रही हैं। कल ऐसे ही एक कार्रवाई के दौरान महिला ने मनपा कर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि जारी गाइडलाइन के अनुसार शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने का नियम है, मगर उसके बावजूद भी दुकानें लोग खोल के रखते हैं, धंधा लगाते हैं। कल शाम में जब मनपा अपनी टीम के साथ तनवर नगर की सुरमे की दुकान पर भी कार्रवाई की और दुकान के बाहर जो सामान थे उन पर मनपा ने अपना हथौड़ा चला दिया। हालांकि मनपा की कार्रवाई में जो टीम रहती है वो भी काफ़ी संख्या में रहती है और वहीं कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जिसके बाद बताया जा रहा है कि लोगों को डंडा मारकर वहां से भगाया गया। इसी दौरान खरीदारी करने आई एक महिला से मनपा कर्मचारियों के बीच में बहस हो गई। महिला का कहना है कि क्या शाम 7 बजे के बाद कोरोना आता है, उसके पहले कोरोना कहाँ रहता है। देखिए किस तरह से इस महिला ने मनपा कर्मियों की बोलती बंद कर दी अपने सवालों से। जिस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है और आप ये बोल रही हैं कि 7 के बाद कोरोना आता है क्या, इसके बारे में टीएमसी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं मेरा वही सवाल है, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया ना कि 7 के बाद ही कोरोना आता है क्या। मैं किसी भी सवाल का जवाब देते थे बस, लेकिन किसी ने उसके ऊपर आवाज उठाया कि हाँ सही है क्या गलत है। बस एक बंदे ने आवाज उठाई, इतने मर्द यहाँ खड़े कोई तो आवाज, उतनी दुकान उसकी टूट गई, किसी ने नहीं आवाज उठाया। अगर यही लोग आवाज उठाते ना तो दुकान नहीं टूटती उसकी। क्या नाम है मैडम आपका? फातिमा। फातिमा मैडम, जैसे बम्बई में 144 लगा गया है भीड़ को लेकर के, ये अधिकारी खुद 4 से 5 होते तो इन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ नहीं होती है? 15-20 लोग अपने हैं तोड़ रहे हैं तो इतनी भीड़ लगी तो उसे कोरोना नहीं हो रहा क्या? यानी ये खुद आमंत्रित करते कोरोना को इसका और हम लोग दरिंदे होते, दरिंदे तो तुम लोग खुद हो, गरीबों की रोजी रोटी छीन के बैठे हो, इतने दिन से लोग बेरोजगार बैठे हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं तुमको करने नहीं देते आप लोग, और यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई आवाज नहीं उठा, सब नामर्द लोग हैं, मर्द कोई है ही नहीं यहाँ पर, अगर कोई आवाज उठाता तो उसकी दुकान